लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है। अब लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। इससे पहले लॉकडाउन की तारीख 3 मई थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में एडवाइजरी भी जारी की है। इससे पहले भी मोदी सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाया था। पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगाया गया, फिर 15 अप्रैल से 3 मई तक और अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की दूसरी पारी खत्म होने ही वाली थी कि मोदी सरकार ने तय तारीख से पहले ही लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी। इस दौरान जो भी गतिविधियां जारी रहेंगी उसको लेकर गृह मंत्रालय की तरह से लिस्ट आ चुकी है। इस बार सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इस दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स जैसे कामकाज को जारी रखने की अनुमति मिली है। इसी जोन में गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर रियायत दी गई है। इसके अलावा ग्रीन जोन एरिया में 50% लोगों को लेकर बसें चलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इस दौरान यह भी नियम है कि बस डिपो पर केवल 50% लोग ही काम करेंगे। इस दौरान कई तरह की एक्टिविटीज पर रोक भी जारी रहेगी, जैसे 17 मई तक सभी स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को बंद ही रखना होगा। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल्स, पब्स जैसे भीड़ वाली जगहों को बंद ही रखा जाएगा। साथ ही पहले की तरह ही बाकी जोन्स में बंदी रहेगी। गौरतलब है कि देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक 35,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक 1,160 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। वहीं 9,000 से ज्यादा लोगों को ठीक किया जा चुका है।